हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो मुझे काफ़ी पहले बना लेना था, बट मिस किया मैंने। और अभी ऑलमोस्ट समर्स भी एंड होने आए हैं, बट मैंने फिर भी सोचा कि बना ही लेता हूँ एंड आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बेसिक बता ही देता हूँ। तो आज बात करेंगे दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मेरे पास है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से यूसेज कैसे होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको क्या केयर करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट पार्किंग। अगर आपके पास घर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मेक श्योर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी कहीं भी पार्क नहीं कर रहे हैं। कर भी रहे हैं तो बहुत कम समय के लिए कर रहे हैं, बिकॉज इसके बैटरीज बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं। आप चलाते समय भी गर्म हो जाएंगे, आप पार्क करके रख रहे हैं धूप में तो भी बैटरीज गर्म हो जाती है, जैसे आपके फ़ोन्स होते हैं। ओके, लेटेस्ट लिथियम आयन फ़ोन्स वगैरह जो भी होते हैं वो आप जैसे ही धूप में रख देते हैं, गर्म एनवायरनमेंट में रख देते हैं, वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। एंड दिस ओवरऑल ये जो है ज़्यादा गर्म होना ये ठीक नहीं है, बैटरी लाइफ अफेक्ट करेगा। और हो सके तो आपने पास्ट में देखा रहेगा कि यू नो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जल रही थी, बर्न हो रही थी, आग लग रही थी, तो वो सब अगर आपको अवॉइड करना है, बैटरी लाइफ अच्छी रखनी है, तो उसको हो सके उतना शेडेड पार्किंग में रखना है। आपके ऊपर अच्छी छत होनी चाहिए। इवन एट्रिया मेरी नॉर्मली इधर काफ़ी अंदर सेफ पार्किंग में, ढकी हुई पार्किंग में पार्क रहती है। हमारे सोसाइटी में ओला भी एक है, ये भी दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ना शेड में पार्क रहती हैं। गाड़ी को चार्जिंग कब करना है और क्या कब अवॉइड करना है? अगर आप अभी ना काफ़ी दूर से गाड़ी चला के वापस आ रहे हो, स्कूटर चला के वापस आ रहे हो, तो इमीडिएटली चार्जिंग पर ना लगाएं, बिकॉज बैटरी काफ़ी गर्म हो गया रहेगा उस टाइम पे। ओके, तो आने के बाद एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का हॉल्ट लें, बैटरी को कूल डाउन होने दें। अगर बाहर क्लाइमेट समर्स टाइप है तो गर्मी टाइप है तो उसको और एक्सटेंड कर दो, एक आधा घंटा रुक जाओ, बैटरी को कूल डाउन होने दो ऑन इट्स ओन एंड देन उसको चार्जिंग पर लगाएं। सिमिलरली अगर आपको अभी सपोज़ 5 बजे बाहर निकलना है तो ऐसा मत कीजिए कि आप घर से नीचे उतर रहे हैं, गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है, चार्जिंग डिस्कनेक्ट करके इमीडिएटली गाड़ी बाहर लेके जा रहे हैं चलने को, ऐसे भी ना कीजिएगा। बिकॉज वाइल चार्जिंग ऑल्सो जब आप चार्ज कर रहे हैं तभी भी बैटरी गर्म हो जाती है, एंड आप उसी समय अगर यूज़ करना शुरू कर दोगे तो वो और हीट बैटरी का बढ़ जाएगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ओवरऑल बैटरी कूल रहना चाहिए, मतलब ओवर हीट नहीं होनी चाहिए, जिसके वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ अच्छी रहेगी। तो चार्जिंग करने के बाद एक 10-15 मिनट रुकिए, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके लेके जाइए। अगर समर्स हैं तो थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए ताकि बैटरी आराम से ओरिजिनल मतलब जो उसका टेम्परेचर है कूल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप स्कूटर निकाल सकते हैं। जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ शायद बेसिक पॉइंट्स होंगे, बट कुछ लोगों को पता नहीं है और कुछ लोग नो लेने के पहले मुझे DMs करते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको डूज एंड डोंट्स बेसिक पता हो जाए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से पहले। अगेन आप लोगों को पता रहेगा कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो और उसमें आप साइमल्टेनियसली 4-5 ऐप्स यूज़ कर रहे हो, लाइक गूगल मैप्स भी चल रहा है, म्यूज़िक भी चल रहा है, कुछ आप साइड बाय साइड नो कुछ और भी कर रहे हो और ट्रैकिंग भी कर रहे हो, तो आपके फ़ोन की बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन होती है। सेम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी वैसे ही होता है। आप अगर इसको ओवर स्पीड चला रहे हो या फिर आप डबल सीट चला रहे हो या फिर आप सामान लेके लोड करके गाड़ी भगा रहे हो इन द सेंस चला रहे हो, तो बैटरी आपकी फास्ट ड्रेन होगी। अगर आप उसको कम स्पीड पे चला रहे हो, आप सिंगल सीट ज़्यादा चला रहे हो, तो आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा रहेगी। नाउ इसका लिमिट 27 का है एट्रिया का, इससे ऊपर जाती नहीं है, वो इको मोड में अराउंड 45 के टॉप स्पीड पे जाती है। तो अगर हम इसको सिंगल सीट चलाते हैं यूजुअली और मॉडरेटली एक्सीलेट करते हैं, 20-22 के स्पीड पे चलाते हैं सिटी में जहाँ पे ट्रैफिक मतलब आपको ज़्यादा ब्रेक करके ज़्यादा एक्सीलेट नहीं करना है बार बार, तो ये आराम से हमको 70-75 की रेंज दे देती है। बट जैसे ही इसको डबल सीट हम यूज़ करते हैं, इसका ओवरऑल रेंज हमको 50-55-60 के आसपास आ जाता है,
डिपेंडिंग हम कितना उसको लोड देके कितना भगा रहे हैं। सेम विथ आई क्यूब, अगर मैं उसको प्यार से चलाऊं और नो टॉप्स मेरे में जब एक्सीलेट करके मैं भगा रहा हूँ उसको, जब चला रहा हूँ तब उसको मैं 30-35 के रेंज में चलाता हूँ, तो मुझे आराम से 75-80-82 भी दे देती है। दो इसका टॉप रेंज मैक्सिमम इज़ 75 क्लेम्ड बाय दी कंपनी, ये मेरी पुरानी वाली है। तो ये आप मॉडरेट एक्सीलेट करने पे ये आपको फ़ायदे होते हैं। सिमिलरली जब आप पेट्रोल गाड़ियाँ भी जब आप 40-45 पे चलाते हो, यूजली स्कूटर्स आपको माइलेज ज़्यादा देता है जबकि आप डबल सीट चलाते हो या फिर हाई स्पीड चलाते हो, सेम वे ये भी वैसे ही वर्क करती हैं। जब आप स्कूटर चार्जिंग पे लगाने वाले हो तो मेक श्योर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक शेडेड एरिया में आप चार्ज कर रहे हो स्कूटर, डायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट धूप नहीं हो। मैंने बहुत टाइम देखा है कि शॉप्स के बाहर लोग अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चार्जिंग को लगा देते हैं, ऊपर से कड़ी धूप गिर रही है तो उस टाइम पे ओवरऑल व्हीकल टेम्परेचर भी गर्म रहता है, बैटरी भी गर्म रहता है, बाहर टेम्परेचर भी गर्म रहता है और आप चार्जिंग भी कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में बैटरी लाइफ इफेक्ट हो सकती है। कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे पहले होते थे बाइक्स स्कूटर्स जल जाते थे, अभी तो काफ़ी कम हो रहा है वो सब इश्यूज़। बट वो सब अवॉइड करने के लिए, बैटरी लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए, पार्किंग शेडेड में रखो, शेडेड लोकेशन पे पार्किंग करो एंड देन उसको चार्ज करो। प्लस मेक श्योर कि आपका जो चार्जर है वो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अगर आपको आपके पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, जो कि 99% पॉसिबल होगा कि किसी के पास स्पेशल कुछ स्टैंड नहीं है चार्जिंग के लिए, डायरेक्ट ज़मीन पे रखना पड़ता है, तो वो अवॉइड करते हुए थोड़ा हाइट पे रखें, बिकॉज इनमें भी फैंस होते हैं, ये कूल करते हैं, जो आपका चार्जर रहता है उसको कूल करते हैं। मेरे अर्टिगा में भी चार्जिंग फैन, जो चार्जर है उसमें फ़ैन है, इसमें भी एक फ़ैन लगा हुआ है, तो हो सके उसको ज़मीन से दूर रखें, जहाँ पे मिट्टी पानी ऐसे कुछ चीज़ें डायरेक्ट ना लग पाए उसको। प्लस चार्जिंग शुरू करने के पहले मेक श्योर कि ये जो बाइक का पॉइंट है वो पहले लगा हुआ है, जब आप चार्जिंग का प्लग एंड प्ले शुरू कर रहे हो तो इसको पहले लगाएं, बाद में ये वाला लगाएं वॉल यूनिट पे और फिर चार्जिंग शुरू करें। एंड मेक श्योर चार्जिंग करते समय योर बाइक इज़ लॉक्ड, चार्जिंग करते समय इग्निशन ऑन नहीं होना चाहिए। सेम इसको भी हम सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, इसको मैं चार्जिंग पोर्ट पे पहले लगाता हूँ चार्जर को, हम चार्जर यहाँ ऊपर रख देते हैं, फिर प्लग करते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट पे, फिर स्विच ऑन करते हैं एंड वी मेक श्योर दैट दी व्हीकल इज़ स्विच्ड ऑफ। चाबी चार्जिंग के समय स्कूटर पे नहीं होनी चाहिए। जब स्कूटर का चार्जिंग आप कर रहे हो तो एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये प्लग कहीं लूज़ नहीं होना चाहिए, इस साइड का प्लग या फिर जो वॉल माउंट में प्लग लगता है वो कहीं लूज़ नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं प्ले नहीं होना चाहिए, ओके, गैप नहीं होनी चाहिए, अच्छे से प्लग्ड इन होना चाहिए। कहीं लूज़ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से कहीं आग नहीं लगना चाहिए, उसकी वजह से कहीं हैज़ार्ड कुछ होना नहीं चाहिए, आपके आसपास के बाकी और व्हीकल्स को कुछ और डैमेज नहीं होना चाहिए, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। स्कूटर जब चार्ज हो जाए या फिर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको डायरेक्टली वहाँ से स्विच ऑन नहीं करना है, जब चार्जिंग हो रहा है आप पहले आके यहाँ से स्विच ऑफ करेंगे, फिर ये बटन, फिर ये प्लग निकाल देंगे, ओके, चार्जर को अच्छे से कलेक्ट करके आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप चाबी प्लग इन करके यूज़ करेंगे। और एक वार्निंग कि अगर आपकी स्कूटर 3-4 घंटे से चार्ज हो रही है तो इमीडिएटली अनप्लग करके गाड़ी चलाना शुरू ना करें, लेट इट कूल डाउन, उसको एक ठंडा होने दो बैटरी को, एक 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा, आसपास का क्लाइमेट कैसा है, समर्स है ठंडी है कैसे, उसके हिसाब से 10-15 मिनट या आधा घंटा रुक के फिर स्कूटर चलाएं। इसकी वजह से क्या होगा, आपका बैटरी पहले ही गर्म है, आप डायरेक्ट चला शुरू करना, चाबी डाल के चलाना शुरू कर दोगे तो बैटरी पे और लोड आएगा और गर्म होगी और उसकी लाइफ इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपको बैटरी लाइफ बढ़ानी है तो इसमें एक थोड़ा सा गैप दे देना, उसको थोड़ा सा कूल हो देना और फिर चला लेना। मैंने काफ़ी मैनुअल्स में देखा है कि लिखा गया है कि आप इवनिंग रात के टाइम पे चार्जिंग करें और दिन में चार्जिंग अवॉइड करें, क्योंकि दिन में ऑब्वियसली गर्मी होती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली पास हो रहे हैं आपके पार्किंग से वगैरह, या कुछ नो चूहे वगैरह आसपास है और वो आपके
जो चार्जिंग के केबल्स वगैरह है उसको कतरने लगते हैं, फिर बाइट करने लगते हैं, फिर उसको पैर लग गया, कुछ हो गया और वो पॉइंट से कुछ सटक गया वगैरह, तो उस टाइम पे हैज़ार्ड हो सकता है। तो इसलिए मेरा पर्सनल फीडबैक है या फिर मेरा पर्सनल रिव्यू है या फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन है या मेरी पर्सनल राय है कि रात को चार्जिंग ओवरनाइट करने के लिए अवॉइड करें, या अगर आप रख भी रहे हों तो मेक श्योर आप 4-5 घंटे बाद उठ के आप अपना प्लग ऑफ करें, पूरा सब डिस्कनेक्ट करें एंड पार्किंग आपका सेफ़ हो। ऐसा ना हो कि आपने लगा दिया है, सुबह तक चार्जर ऑन रह रहा है, मतलब दोनों भी चार्जर्स में एटलीस्ट मेरी एट्रिया और मेरी IQ के चार्जर में ऑटो कट ऑफ है, दोनों के फैंस बंद हो जाते हैं, मतलब हमको पता चल जाता है कि चार्जर मतलब स्कूटर चार्ज हो गया है और चार्जिंग ऑफ हो गया है। बट फिर भी सेफ्टी वाइज यू शुड अवॉइड चार्जिंग एट नाइट अनलेस आप आके स्विच ऑफ कर सकें मैन्युअली, या फिर घर में एक MCB रख दो, आप ऊपर से ही ऑफ कर देना घर के अंदर से, ताकि नीचे पावर सप्लाई ना हो, नीचे कुछ हैजार्ड ना हो। ठीक है, सुबह वॉचमैन ऐसे ही पानी मारने आ गया दूसरे गाड़ियों के लिए और उसने इस चार्जर पे भी पानी मार दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस बेसिक सेफ्टी रीजंस की वजह से ओवरनाइट चार्जिंग अवॉइड करो, अदरवाइज चार्जिंग एट नाइट वुड बी बेस्ट, बिकॉज ओवरऑल क्लाइमेट रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है, स्कूटर्स ठंडे रहते हैं, बैटरीज ठंडी रहती हैं, बाहर आसपास क्लाइमेट ठंडा रहता है, तो चार्जिंग अच्छे से हो जाएगा, मतलब बैटरी पे ज़्यादा लोड नहीं होएगा, बैटरी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप डबल सीट चलाओगे, लोड लेके चलाओगे तो आपका रेंज कम मिलेगा, सिमिलरली आपको टायर प्रेशर मेंटेन करना है स्कूटर्स के, हो सके तो एवरी वीक आप बाहर जब निकाले स्कूटर उसके पहले अगर घर पे आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम है, कुछ मोटर आपके पास कोई क्या बोलते हैं एयर पंप या फुट पंप है, तो उसमें आप पहले प्रेशर चेक कर लें, कम हो तो बढ़ा दें, भर लें पूरा एंड देन चलाएं, या फिर नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे पहले जाके एयर प्रेशर चेक कर लें और फिर चलाएं। इससे क्या होगा कि अगर हवा कम है तो ओवरऑल स्कूटर पे जो बैटरी या फिर जो मोटर है उस पर ओवरऑल लोड ना आए, टायर प्रेशर परफेक्ट रहेगा तो आपको रेंज भी अच्छी मिलेगी। स्कूटर्स को, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को, चाहे वो एकदम सिंपल हीरो एट्रिया जैसी हो या फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड IQube जैसी हो या कोई और भी ब्रांड हो, मेक श्योर यू सर्विस देम टाइम टू टाइम। मेरे IQube के लिए मुझे रिमाइंडर्स आ जाते हैं TVS से, प्लस मैंने उनका एक प्रीपेड पैकेज भी ले लिया ईयरली, तो उसमें मेरे को रिमाइंडर्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, मेरे को उसका टेंशन नहीं रहता है। इसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है, 2-3 बार इसकी सर्विस मिस हो गई है, बट सर्विस मिस होने के बाद उनका कॉल आता है और उसके बाद मैं सर्विस करवाता हूँ, बट एटलीस्ट सर्विस ऑलमोस्ट टाइम पे हो जाती है। अदरवाइज़ आप लोगों को अगर ऐसे कॉल्स वगैरह नहीं आते हैं तो सर्विस शेड्यूल जो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो आपके मैनुअल में दिया हुआ है उसके हिसाब से टाइम टू टाइम सर्विस करवा लो। कुछ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स अगर वीक हो गए हैं या फिर कुछ लूज़ हो गया है या फिर कुछ इश्यूज़ होने वाले हैं तो वो OBD पे चेक के वो चीज़ें वो सर्विस वाले रिजॉल्व कर देंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी ये अपना मार्केट अभी अभी इम्प्रूव हो रहा है, अभी अभी इमर्ज हो रहा है, या फिर अभी अभी यू नो क्या बोल सकते हैं शुरू हो रहा है ये सब, तो ये सब चीज़ें चेक करवाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और काफ़ी अच्छा होगा ताकि आपको यूसेज में कुछ इशू ना आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉशिंग। मुझे TVS में भी बताया गया था स्कूटर लेते समय और मुझे एट्रिया की डिलीवरी लेते समय भी बताया गया था कि डायरेक्ट बाहर प्रेशर वॉश ना करवाएं किसी थर्ड पार्टी के पास, बिकॉज उनको पता नहीं होता है कि इस किस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कहाँ पे क्या चीज़ें लगी हुई हैं और उसकी वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो, किसी मोटर बीटर में पानी चले जाए, किसी बैटरी में पानी चले जाए, ऐसा कुछ ना हो। इसलिए अवॉइड प्रेशर वॉशिंग आउटसाइड, बाहर यू नो थर्ड पार्टी के पास प्रेशर वॉश अवॉइड करें, ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाएँ वहाँ पर वॉश करवाएँ, या फिर घर पर भी अगर वॉश करना है तो बाल्टी में कपड़ा लेके ऊपर ऊपर से उसको क्लीन करें, हो सके उतना पानी जो है, अपनी आदत रहती है ऐसे पानी मारने की, वॉचमैन की वगैरह साफ करने वाले की ऐसे पानी मारने की आदत होती है, तो उनको वो करने के लिए ना बोले, डोंट लेट देम पुट वाटर इन द स्कूटर, जैसे मारने को परमिशन ना दें, इसके वजह से कहीं पानी घुस के नहीं बैठेगा बैटरी बैटरी में, टर्मिनल्स पे कुछ ख़राब नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। सो गाइज, ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, आई होप ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको हेल्पफुल लगे हो। इफ़ येस, लाइक कर देना ये वीडियो, शेयर कर देना, आपके अगर कोई दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहते हैं या फिर किसी ने ले रखी है तो
उनके लिए ये शायद पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो, शायद उनको पता ना हो, तो उनको शेयर कर देना ये वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे हो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कुछ और टिप्स हैं तो वो टिप्स भी कमेंट्स में लिख दो, तो ताकि जो और व्यूअर्स आएंगे उनको मिल जाए। आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक है और आप कुछ अलग तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, आप कुछ और चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि जो और व्यूअर्स आएंगे चैनल पे वीडियो पे उनको भी ये दिख जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अ न्यू वीडियो वेरी सून। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द।